नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सुकमा से बड़ी खबर के साथ। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें कि जहां पर पुलिस और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ हुई और कई नक्सलियों के घायल होने की खबर मिली है। वहीं आपको बताएं कि नक्सलियों की मौजूदगी के बाद सर्चिंग पर जवान निकले थे। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुंटा थाने के बंडा इलाके की ये पूरी घटना। तो कुंटा थाने के बंडा इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर नक्सलियों के बीच में और पुलिस कर्मियों के बीच में, जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई और ऐसे में इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए हैं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोंटा थाने के बंडा इलाके की ये पूरी घटना। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, ये जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और ऐसे में नक्सलियों के घायल होने की खबर है, क्या जानकारी इससे संबंधित, कितने नक्सली हो सकते हैं? देखिए, सुबह की ये घटना है कि सुकमा क्षेत्र के जो जवान हैं, सुरक्षा में तैनात फोर्स है, उनको सूचना मिली थी कि बंडा इलाके में जो है नक्सलियों के होने की सूचना है और नक्सलियों की सूचना पर, उनकी मौजूदगी पर ये जवान निकले हुए थे और मौके पर जब बंडा इलाके में पहुंचे तो वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ करीब 2 घंटों तक चली है और कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। और कई नक्सलियों के घायल होने के साथ साथ अब जो सुरक्षा जवान है, फोर्सेज है, उन्होंने इलाके में सर्चिंग अभियान तेज किया है। कोंटा थाने इलाके का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में केवल सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हालांकि अब जब ये पूरा सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आधिकारिक पुष्टि होगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि सुकमा जिले के कोंटा इलाके में बंडा इलाके में ये पूरा मुठभेड़ हुई है और रुक रुक कर रहकर जो है वो भी गोलीबारी की आवाज आने के बाद ये पूरी खबर जो मिली है। उसके बाद अब पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही है और चूंकि मुठभेड़ तो खत्म हो गई है लेकिन जो नक्सली घायल हुए हैं उनको सर्च करने की कोशिश यहाँ पर सुरक्षा जवान कर रहे हैं। क्या इस बारे में जानकारी लग पाई अंकुश कि कितने की संख्या में नक्सली थे और वो इलाके में क्या करने पहुंचे थे? क्या सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पहुंचे थे या और कोई जानकारी? देखिए, 2 प्रकार की खबरें हैं इसमें। जानकारी ये भी आ रही है कि नक्सली जो है आईईडी बम जो है प्लांट करने पहुंचे थे और इसकी सूचना कहीं ना कहीं फोर्सेस को लगी थी। दूसरी खबर यह है कि नक्सलियों के मूवमेंट की खबर सुरक्षा जवानों को लगी थी और इसलिए वो वहां पर गए हुए थे। फिलहाल सर्चिंग अभियान चल रहा है और नक्सलियों की गिनती की अगर बात करें तो घने जंगली इलाका है, गिनती के बारे में स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं आई है। सर्च अभियान के बाद हो सकता है कि सुकमा और कोंटा पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या फिर कोई प्रेस रिलीज के माध्यम से पूरी जानकारी पुष्टि करेगी। ठीक है अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका।